नु ये नहीं खाएगा। मैं तो फोटो वीडियो चला रही हूँ। तेरे और भी हैं जी, धवल सेठ हैं, बाकी सब तो सूखे सूखे हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन मॉम एंड बेबी ट्रू बी। सो आज हुआ है थोड़ा सा डार्क मेकअप। आई नो सब कमेंट करेंगे कि आप घर में रह रहे हो तो इतना मेकअप मत कीजिए, बट मुझे कुछ टिकटॉक वीडियो करनी थी और काफ़ी दिन से फेस ऐसा उजड़ा 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 सा दिख रहा था, इसलिए थोड़ा सा मेकअप हो गया है आज। अपने आप तो नहीं हो गया, मैंने खुद ही से ही किया है। सो टिकटॉक पर थोड़ी सी वीडियो शूट करनी है, मज़ेदार मज़ेदार, बहुत दिन से चटपटी चटपटी वीडियो नहीं की है। एंड थोड़ा सा यहाँ पे मैंने लस्ट डस्ट एस क्यू का ग्लिटर लगाया है, एस क्यू के लिपस्टिक लगाया है एंड हाइलाइटर, थोड़ी सी हाइलाइटिंग की है।
एंड ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक जर ठीक है, बाकी का तो सब डार्क हो जाता है। ब्रो फिल की है मैंने अपनी, ठीक है। और अभी बचे दोपहर का एक, और खाना नहीं खाया, सिर्फ नाश्ता किया। नाश्ते में पोहा खाया था हमने, और जो आपने मंदिर का देखा वो मौसी मम्मी वगैरह शूट करके लाई थी। मंदिर गई थी सुबह तो सारा शूट करके लाई थी, स्वीटी शूट करके लाई थी उसको सारे कुछ को। और टैनी यहाँ पे नहा धो के सो रही है, ये देखो टैनी सो रही है। और अभी हम लोग खाएंगे खाना, और मैंने यहाँ पे ये वाली कुर्ती डाली है, आपको दिखाती है। ट्राउजर के साथ ऐसे कुर्ती डाल ली है मैंने, और इसमें इस तरीके से प्रिंट वगैरह बना हुआ है। ये मैंने अभी भी कुछ दिन पहले जो कुर्तियाँ खरीद के लेके आई थी उनमें से है, जिसमें फिटिंग कराई थी मैंने। तो वीडियो करनी थी तो थोड़ी सी तो अच्छी हो जाए, तो इसलिए मैंने इस तरीके से किया है। और थोड़ा मन कर रहा था भाई मायके आओ मेकअप ना करो, तो लड़कियाँ लगती नहीं है भैया, ऐसा लगता है कितनी दुखी है, तो ऐसे मायके में थोड़ा सा मेकअप करने में ना अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा सा गया। और थोड़ा सा घर में किचर पिचर हो रही है क्योंकि बातें चल रही हैं, उधर काम वाम चल रहा है। और मैंने हेयर वॉश किया है आज, संडे है ना, हाँ आज है संडे, तो आज हेयर वॉश कर लिया है। नानी बहुत किचर पिचर हो रहा है, एक मिनट, तो किचर पिचर ज़्यादा हो रही थी, कोई बात नहीं, मैंने शांत करा दिया। और बताइए आप लोग कैसे हो। मैंने हाउस टूर कराया था, हाउस टूर वीडियो में कई सारे लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा बोला है, और एक दो ने बोला है मुझे नेल पेंट भी बताना है, मुझे नेल पेंट रिमूव करना है, और मैं कितना भुलक्कड़ हूँ नेल पेंट रिमूव करना है। मुझे कई लोगों ने बोला कि ससुराल इसीलिए गंदा रहता था क्योंकि मायके से आदत लग गई है। ऐसा है, ऊपर का जो हमारा पोर्शन है पूरा वो अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है सब घरों में है। अगर हमें एक स्टोर रूम दे दिया तो उसमें भी भर देते हैं, तो इस तरीके से वहाँ पे जब पूरा घर पूरा रिन्यू होगा पूरा घर, तब जाके अच्छा होगा, पेंट होगा, जहाँ पे जो जो काम है सारे काम होंगे, तब जाके हो पाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे ना किसी को बिना बात के कॉमेंट्स मत किया करो कि ऐसी आदत है वैसी आदत है। आप लोग भी अगर महल में रह रहे हो ना, तो महल में भी ना काम वाले लगा, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, खाना पीना खा लें और नेल पेंट लगा लूँ अच्छे से कलर में, फिर वीडियोज़ बनाऊँगी। अगर अच्छी बनी ना तो पक्का मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और यहाँ पे भी करूँगी, प्लस टैनी के चैनल पे भी करूँगी। मैं दोनों तरफ इसलिए कर देती हूँ ताकि जो वहाँ के लोग यहाँ पे नहीं देखते कुछ कुछ लोग, तो उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वो लोग भी देख लें। सो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, ओके बाय। मैंने फाइनली नेल पेंट चेंज किया और ये वाला कलर मिला, बट मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे लाइट डिस्टेम्बरी कलर चाहिए था, ये थोड़ा डार्क है, तो वो जो कलर होता है ना थोड़ा स्काई ब्लू टाइप में होता है, वो ज़्यादा बेटर लगता है, तो मुझे वो भी लेके आना। ये कलर ठीक है, मिल गया जो भी है, यहाँ तो लेके नहीं आई, जो सिंपल के पास था वो लगा ली। और तेनु भी जग गया, हाय तेनु, हाय 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 बोल दो, चुना हाय बोल दो, कहाँ हो गया, अभी अभी सो के उठी है वो, तो मूड ठीक नहीं है इसका। क्या खोल के अभी नहीं जाना, धूप हो रही है, उसे बाहर जाना है, बाहर नहीं जाना टेनी। चले मिलते थोड़ी देर के बाद मामा। आलतू जलालतू बोलनार फालतू, आलतू जलालतू बोलनार बोलनार, आलतू जलालतू बोलनार फालतू, यो घड़ा सब फतेरा पाड़वे न
बता रही हूँ, कविता लाबना है कोई, तो उन्होंने बोला है, हाय मैम आपको कितनी बार बोला है कि मेरे बच्चों का नाम ले लो लेकिन आप लेते नहीं हो। डियर आपका फर्स्ट टाइम कमेंट आया है, और आता भी होगा तो आपका स्पैम में चला जाता होगा। तो कल कितना डेट है मैं एक मिनट देखती हूँ, कल 15 है ठीक है, लेकिन इनके सबके बर्थडे जो है वो 16 को है। तो मैं इन एडवांस विश कर देती हूँ, जिसकी भी एनिवर्सरी है जिसका भी बर्थडे है, तो इनके बेटों का बच्चों का बर्थडे है 16 को, मेरे बेटे का समरप्रीत और मेरी बेटी का नाम है मनप्रीत। तो हाय समरप्रीत, हैप्पी बर्थडे, एंड हाय मनप्रीत, विच यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। एंड कुछ लोग बोलते हैं मेरे नाम लेने से क्या उनका दूसरे, मतलब जो हेटर्स हैं वो आके बोलते हैं कि इसके नाम लेने से क्या तुम्हारे बच्चे कुछ हो जाएंगे ये वो, ये अपना अपना प्यार है। अच्छा सादफ सिद्दीकी बोल रहे हैं मेरा नाम लो, उनकी एनिवर्सरी है, सो विश यू हैप्पी एनिवर्सरी। और सादफ के अलावा जिसकी भी एनिवर्सरी है तो उनको सबको मेरी तरफ से एनिवर्सरी की ढेरों शुभकामनाएं। अच्छा तरुश्री झालानी बोल रही हैं 16 अप्रैल को कर देना विश, इनका आई थिंक बर्थडे होगा या एनिवर्सरी जो भी है, मैं विश कर दे रही हूँ इन एडवांस, इतना नहीं देख पाते हम, मैं इतना टाइम नहीं रहता भैया, बेटी भी हो वो भी देखना पड़ता, तो हर टाइम नहीं देख पाती हूँ कि क्या है कैसे है, तो इसलिए जितना भी हो पाता है मैं उतना तरीके से ले देती हूँ, जिसका नहीं ले पाई हूँ उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट नहीं तो नाम लेने से वैसे भी कुछ होता नहीं है, लेकिन आई नो आप लोगों को अच्छा लगता है। अंशिका निशा जी ने बोला है, अंशिका पुंडीर निशा का बेबी का नाम है, हाय अंशिका, मैंने स्क्रीनशॉट लिए तब जाके ये सब हो पाया है, एंड प्लीज़ मेरे टिकटॉक जो वीडियो है उनको देखना बिल्कुल मत भूलेगा। 9:30 बज रहे हैं अभी मैं सब्जी मंडी वगैरह मम्मी के साथ गई थी तो वो सब्जी लेके अभी जस्ट आए हैं, सो दैट्स इट। और चलिए ओके गाइस, सो देखा आप लोगों ने मेरा टिकटॉक वीडियो, टिकटॉक आईडी भी मैं दे रही हूँ यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, तो प्लीज़ चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे टिकटॉक आईडी। और मैंने और मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा मस्ती की थी, और जो मेरा और टेनी वाला वीडियो उस पर 2000 के ऊपर व्यूज़ गया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, 2.5 के ऊपर व्यू गया है 2-3 घंटे में, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़। और अभी हमने गन्ने का जूस पिया है, और मैं सोची थी इस वीडियो को एंड कर दें, आप लोगों ने देखा सुबह कि हम लोग, सो मैंने सोचा चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, बहुत है क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ बोलता है नहीं, जो लंबा ब्लॉग हो जितने देर का होता है मैं इतना कर देती हूँ। अभी कुछ काम से मुझे जाना है थोड़ा सा बाहर, और आप लोगों ने देखा मंदिर सुबह, ये पूरा हमारा जैन मंदिर है, हम इसी मंदिरों में जाते हैं और यही भगवानों को मानते हैं। सो कैसा लगा मंदिर, कैसी लगी टिकटॉक वीडियो, फॉलो किया कि नहीं किया मुझे बताना ज़रूर, एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लिया कीजिए, इंस्टाग्राम आईडी में पहले ही दे देती हूँ, सो प्लीज़ चेकआउट करना मत भूलिएगा। बाय, टेक केयर, बाय।